कर आर्ट काउंसिल में पाकिस्तान के नामवर मुसव्वर खताब सैयद सात कैन नकवी के फन मुसवरी के खूबसूरत फन पारों की नुमाइश मुनक़द हुई, जिसका अफ्तताह DPO उकाड़ा उमर सईद मलक ने किया। नुमाइश में शरीक मुल्क के नामवर आर्टिस्ट ने सादकैन के फन खताती और फन मुसवरी पर इजहार ख्याल भी किया। सादकैन फाउंडेशन USA डायरेक्टर प्लानिंग एंड प्रमोशन पाकिस्तान जुहैब चौधरी फरमाते हैं, आज की नुमाइश अल्हम्दुलिल्लाह जिसका इफ्तिताह उमर सईद मलिक साहब DPO काड़ा ने किया और सादकैन फाउंडेशन की जानिब से एक बहुत मुख्तसर और खूबसूरत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस्लामिक खत्ताती नुमाइश पहली दफ़ा उकाड़ा आर्ट्स काउंसिल में सैयद सादकैन अहमद नकवी साहब की हुई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, जिसमें मैं तमाम इंतज़ामिया का इंतहाई मशकूर हूँ, उमर सईद मलिक साहब का मशकूर हूँ, महकमा पुलिस के तमाम अफसरान का मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी इस दावत पर आकर हमें इज़्ज़त बख्शी। सैयद सादकैन अहमद नकवी का अगर मैं तारुफ बताऊँ तो सैयद सादकैन अहमद नकवी जिन्हें दुनिया सादकैन के नाम से जानती है, सादकैन की पहली नुमाइश 1954 में क्वेटा में हुई थी, उसके बाद दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में आपकी नुमाइशें मुनक्कद होती गई और अल्हम्दुलिल्लाह आप उस वक्त के आर्टिस्ट हैं जब सोशल मीडिया भी नहीं था और ना ही कंप्यूटर का कोई जदीद दौर था, बल्कि आप उस वक्त के आर्टिस्ट हैं जब टेलीविज़न नया नया आज़ाद हुआ था, उस वक्त आपने पाकिस्तान की रहनुमाई पूरी दुनिया में की और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सैयद सादकैन अहमद नकवी को के आर्टिकल उस दौर में पांचों बराज़मों में छपते रहे और तमाम अखबारों में Washington DC और वहाँ के ममालिक के मशहूर अखबारात में उनके तबसरे आते रहे और ये शायद ये एज़ाज़ किसी पाकिस्तानी को हासिल नहीं, और एक और एज़ाज़ जो सैयद सादकैन नकवी को हासिल है वो भी शायद किसी और पाकिस्तानी को हासिल नहीं कि उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 3 आर्ट गैलरियाँ मिली, एक लाहौर, एक इस्लामाबाद और एक कराची में, इसी तरह उन जैसा कोई और पाकिस्तानी शायद ये दावा ना कर सके। उनके पास चारों पाकिस्तानी अवार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उन्हें मिले और आप इनका काम अजायब घर में देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में देख सकते हैं और बल्कि दुनिया के और अजायब घरों में भी आपका काम अवेज़ा है। इसी तरह सैयद सादकैन अहमद नकवी फेरियर हाल कराची में 10 फरवरी 1987 को इंतकाल कर गए और वो उनकी आखिरी आरामगाह सखी सरवर। Thank you.